नमस्कार, मैं हूँ सुमेश्ता विष्णु और आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बीकानेर के खाटू श्याम जी मंदिर से, जहां पर आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। झूला कार्यक्रम है मंदिर के अंदर, जिस उपलक्ष्य में आज कान्हा जी को झूले दिए जा रहे हैं। सामने आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से बाबा को सजाया गया है और कितने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भक्त जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही में जो है लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचकर इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं और मंदिर के अंदर आप आकर मंदिर का सहयोग बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मंदिर का जो है निर्माणाधीन मंदिर है, अभी निर्माण हो रहा है, तो इस मंदिर में जो है आप अपना सहयोग देकर मंदिर को भव्य बनाने में, मंदिर को बड़ा बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। सामने आप पीछे देख पा रहे हैं मंदिर का जो है अभी निर्माण का कार्य चल रहा है। ये ऊपर का निर्माण का कार्य, इसके अलावा नीचे भी निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके अंदर आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। अंकल जी, आप बताइए कि क्या कुछ आगामी कार्यक्रम मंदिर में होने वाले हैं? श्याम धाम बीकानेर में हमारे अध्यक्ष श्री के शर्मा जी के निर्देशन के अंदर निकट भविष्य में सबसे पहले जन्माष्टमी का कार्यक्रम है। 17 जन्माष्टमी है 19 अगस्त की, 19 अगस्त को जन्माष्टमी का कार्यक्रम है और उसके बाद में 17 सितंबर को श्री नंदू जी का कार्यक्रम, विशाल तौर पे भजनों का एक कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद में देवोत्री एकादशी के दिन श्याम बाबा का जन्मदिन, जो कि खाटू श्याम के भक्तों का सबसे बड़ा उत्सव होता है, उस उत्सव को मनाया जाएगा। और नंदू जी के द्वारा जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है नंदू जी के द्वारा, उसका समय क्या रहने वाला है? उसका समय दिन के अंदर शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक का। और बाकी आगामी कार्यक्रमों का समय? आगामी कार्यक्रम जैसे आज का झूला उत्सव है बाबा का हिंडोला, कि शाम को हम हिंडे के ऊपर झूले के ऊपर झूलाएं, ये हमारा 3 से 8 है। जन्माष्टमी का कार्यक्रम शाम को 8 बजे से रात के 12 बजे तक है, 19 अगस्त को रात को 12 बजे उसके बाद में प्रसाद का वितरण है। और नंदू जी का कार्यक्रम शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक है और श्याम जन्मोत्सव है वो दिन में 3 बजे से शाम को 7 बजे तक है। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया क्या क्या आगामी कार्यक्रम मंदिर में होने वाले हैं और आज भव्य तरीके से जो है श्याम बाबा का मंदिर सजाया गया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। साथ ही में आज लड्डू गोपाल के लिए झूला का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बेहद ही सुंदर तरीके से ये झूला कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर लोग झूला झुलाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए आज इस मंदिर में पधार रहे हैं। मैं आप लोगों से यहाँ भी कह रहा हूँ बीकानेर में भी कि मंदिर का काम चलेगा। रोज रास्ते परिवर्तन हो गए, कभी इस स्टूडियो से कभी उस स्टूडियो से, आप लोग स्टूडियो के ऊपर बड़े संभल कर चले, असुविधा हमारी सबकी है। मंदिर का काम हमें करना है, आप लोग बड़े धैर्य से हैं और इस काम में भी सहयोग करें। एक बार सभी बोलक दातारे की जय। अभी जैसे आज मंदिर में झूला उत्सव मनाया जा रहा है, श्रावण मास की 12 से है और इसी प्रकार 19 अगस्त को हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, तो रात को 8 बजे से लेकर रात शाम को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जाएगा। उसके पश्चात नंदू महाराज और नंदू शर्मा जी जो भजन सम्राट हैं, श्याम जी के अखंड बहुत ही बड़े भक्त हैं, उनका रात्रि जागरण होगा जो रात को 8 बजे से लेके और प्रभु इच्छा तक हम मनाएंगे। और बाबा का निर्माण कार्य चल रहा है, फ्रंट के पॉलिशिंग का कार्य भी शुरू हुआ है। जैसे जैसे भक्तों का सहयोग मिलता है मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और तीव्र गति से चल रहा है, भक्तों का पूरा सहयोग है और ऐसा लगता है कि जल्द ही शाम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। और मैं संस्था का अध्यक्ष होने के नाते बाबा की तरफ से सबको ये आशीर्वाद है कि भी सभी भक्त
बसे बसे खूब फूले फले, घर में सुख शांति रहे और सब उनके के पद पर कार्य करे, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर खाटू श्याम जी मंदिर में अभी जो है आगामी कार्यक्रम होने वाले, जिसमें आप भी पहुंचकर अपना सहयोग दे सकते हैं, आप भी पहुंचकर बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर इस कार्यक्रम को और भी उत्साहित बना सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दी है और अभी आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये नेशनल हाईवे नंबर 11 पर खाटू श्याम जी मंदिर मौजूद है जो कि बीकानेर के अंदर। आप यहाँ पर आकर अपना सहयोग दे सकते हैं, इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों में पहुँच भी सकते हैं जो कि बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं। धन्यवाद। मैं सुमिष्ठा बिश्नोई, देखते रहिए ट्रिपल एस न्यूज़।